राजस्थान में सियासत काफ़ी गरमाई हुई है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, क्योंकि लगातार खेमे के विधायक कभी चाहते हैं सचिन पायलट सीएम पद संभालें, तो बागी विधायक जो हुए थे 2017-2020 की जो आपने खबरें सुनी थी, सचिन पायलट का जो रुख देखा था राजस्थान में, वो सचमुच दंग कर देने वाला था। लेकिन जो हालात इस समय राजस्थान में बने हुए हैं, क्या उन हालात को ध्यान में रखकर सचिन पायलट को सीएम कमान सौंप देनी चाहिए, वो भी ऐसे वक्त पर जब चुनाव नज़दीक आ रहा है? इसके पीछे की कुछ कारण है कि किन कारणों की वजह से सचिन पायलट को सीएम पद मिल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक गुप्ता और खबर की शुरुआत करें यहाँ पर, किस तरीके से राजस्थान को लेकर जो तमाम अपडेट सामने आई है आज, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष की जो लड़ाई है वो और ज़्यादा दिलचस्प हो गई है। शशि थरूर से लेकर अशोक गहलोत तक के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत सबसे ज़्यादा मुख्य चर्चा का विषय बने हुए हैं कि अगर वो अध्यक्ष पद संभालते हैं तो सचिन पायलट को सीएम पद मिल सकता है राजस्थान का। लेकिन गहलोत खेमा ये चाहता है कि उनके खेमे से ही कोई ऐसा विधायक आगे बढ़े जो सीएम पद को संभालता नजर आए, और सचिन पायलट को जो भारत की राजनीति है उसमें सक्रिय करके रखें। जैसे गुजरात चुनाव है, हिमाचल प्रदेश चुनाव है, जम्मू कश्मीर की बात कर लें, या जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हो वहाँ पर स्टार प्रचारक के रूप में और कुछ मुख्य कार्यभार के रूप में उनको जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएँ। लेकिन कुछ ऐसे समीकरण बनने हैं जिसकी वजह से सचिन पायलट के समर्थक खुश हो सकते हैं, और खुशी का पैगाम ये अध्यक्ष पद का मामला लेकर आया। आपको समझाते हैं आर्टिकल के जरिए, जो बहुत आसान कर देगा आपके लिए, और यहाँ पर देखें किस तरीके से जो बातें बता रहे थे यहाँ पर अशोक गहलोत के, कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर वे मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ेंगे, लाजमी सी बात है, एक समय पर दो पद नहीं संभाल सकते। इसके बाद सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक पायलट इसी टर्म में राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। बेशक सचिन पायलट यंग लीडर होने के साथ एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी भी है, जनता के बीच जाते हैं तो वाहवाही लूटते हैं, राजनीति से जुड़े हर विषय पर उन्हें बखूबी जानकारी है, वे बेबाक अंदाज हर सवाल का जवाब भी देते हैं और बिल्कुल सटीक तरीके से। पायलट भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए चेन्नई पहुंच रहे हैं, वे राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च में शामिल होंगे। अभी तक हमने इस मार्च में कन्हैया कुमार और बड़ी पर्सनैलिटी को देखा कांग्रेस से, लेकिन सचिन पायलट के पहुंचने से ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये चर्चा का विषय आज ज़्यादा बन गई है। लेकिन यहाँ पर जो अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई अगर ये साफ होती है और गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, जो लगभग तय माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग तय है, कांग्रेस एक व्यक्ति का पद का सिद्धांत लागू है, यानी कि एक व्यक्ति का एक पद जो सिद्धांत है वो लागू होगा, और ऐसे में गहलोत को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या वहाँ से हटना पड़ेगा। फिर गहलोत की जगह पर एकमात्र ऑप्शन यहाँ पर सबसे दिलचस्प जो कह सकते हैं वो सचिन पायलट ही बसते हैं, और कुर्सी मिलना तय हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। पायलट के अलावा किसी और को सीएम बनाकर रिस्क नहीं लेना चाहती कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पर यानी राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं हो पाती, ये दिक्कत रहती है। आलाकमान के विश्वास पत्र नेता है सचिन पायलट, और जैसा कि एक कहीं ना कहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद जो बड़ी रैली हुई थी राहुल गांधी की, जब ईडी और शिकंजा कस रही थी ज़्यादा यहाँ पर नेशनल हेराल्ड केस पर, तो याद हो आपको राहुल गांधी ने सचिन पायलट की तरफ इशारा करके कहा था कि इनसे ज़्यादा सब्र और हमसे ज़्यादा सब्र किसने रखा है, बिना पद के काम करते जा रहे हैं। तो वही है कि सब्र का फल मिलता नजर आएगा और सचिन पायलट को सीएम पद मिल सकता है, और ये अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट जानकारियों में से एक थी, और काफ़ी कुछ राजनीतिक समीकरण साफ करिए। अभी तक कयासों के आधार पर आप सुनते थे, लेकिन अगर अध्यक्ष बनते हैं अशोक लो तो साफ है तस्वीर कि सचिन पायलट होंगे राजस्थान के अगले सीएम, क्योंकि ये जो चुनाव होने हैं उसमें कोई रिस्क लेना नहीं चाहती कांग्रेस, ये बात साफ है। अगर सचिन पायलट को जिम्मेदारी नहीं मिली तो अगले ज्योतिरादित्य सिंधे और हार्दिक पटेल उन्हें बनने में देरी भी नहीं लगेगी, क्योंकि उनके पास भी विधायकों का अच्छा खासा समर्थन है। तो क्या आप भी चाहते हैं सचिन पायलट राजस्थान की सीएम पद संभाले, तो अपनी राय खुलकर कॉमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।